कैमूर जिले के भभुआ प्रखंड के सोनहन महुआरी कैथी बेतरी पैक्स में धान की खरीदारी नहीं होने से किसानों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। मौसम बारिश का बना हुआ है और ऐसे में किसान पिछले 28 नवंबर से खेतों में धान की कटाई करने के बाद प्रतिदिन उसकी रखवाली कर रहे हैं। एक तरफ सरकार किसानों को दोगुना लाभ दिलाने के लिए लगातार कृषि क्षेत्र में सहयोग कर रही है, लेकिन कैमूर जिले के सहकारिता विभाग की लापरवाही की वजह से अभी तक कई पैक्सों में किसानों से धान की खरीदारी नहीं की जा रही है। धान पड़ा हुआ है और खेत में पटवन हो नहीं पा रहा है, क्योंकि इसमें पटवन करने से खेत का खलिहान का धान भींग जाएगा। अब ये भी खराब हो रहा है, वो तो खराबे हो रहा है, मौसम खराब आप देख रहे हैं। क्यों नहीं धान बिक रहा है? धान कोई पैक्स का लिवार नहीं है, सब बिचौलिया के माध्यम से लिया जा रहा है। क्या बोल रहा है बिचौलिया? अब बिचौलिया वही बोल रहा है 1400 रुपया दे दीजिए, 1300 रुपया दे दीजिए, और वही धान फिर पैक्स वाले को दे के, वो मिल वाले सेटिंग है उनका। तो क्या लागत आ जाएगा आपका? कुछ नहीं लागत आएगा, किसान इस समय पूरा नुकसान में है। अभी खेती भी करना है आपको? खेती भी करना है, ये भी पटान नुकसान हो रहा है गेहूं का, गेहूं तो नुकसान हो रहा है। इसके खेती के लिए क्या क्या की जरूरत पड़ती है? वही तो, इसका खाद छींटना है, हाँ। दवा छींटना है, उसका पैसा चाहिए, और धान का पैसा मिल नहीं रहा कहीं से भी। 14 जनवरी के बाद खरमास शुरू हो जाएगा, लगन चालू हो जाएगा, परिवार का बहुत सी जरूरतें हैं जो इसको करना है। अब किसी जरूरत को कैसे किसान पूरा करेगा, क्योंकि उसके पास पैसा तो है नहीं। क्या चाहते हैं? जल्दी से जल्दी धान की खरीदारी हो जाए, पैसा आ जाए, ताकि खाद दवा सब आ जाए, बच्चों का कापी किताब सब चीज़ देखना है इसी में। धान की खरीदारी न होने की वजह से किसानों की धान खराब हो रही है। वहीं सहकारिता पदाधिकारी धान खरीदारी की जगह नियमों का पाठ पढ़ा रहे हैं। कुल उत्पादन का 30% ही बिहार सरकार को लक्ष्य मिलता है खरीद का, जो कुल उत्पादन है, सुन लीजिए ना, कुल उत्पादन का मात्र 30% ही बिहार सरकार को लक्ष्य मिला, उसमें भी जो पैक्सों को लक्ष्य मिलता है उसका 20% राशि मिलती है, लेकिन यहाँ पर चावल भी गिरा, उसका चक्रीय आना है, लेकिन पैक्सों को टैक्स फोर्स के द्वारा 40% राशि दिलवाई गई है, वो भी राशि समाप्त है। SFC से जैसे ही चावल का पैसा आएगा, आगे की होगी खरीदारी। किसानों का कहना है कि पैक्स में धान बेचने के लिए कई बार जा चुके हैं, लेकिन धान की खरीदारी करने के लिए कोई तैयार नहीं है। वहीं दूसरे किसान का कहना है कि बारिश का मौसम है, अगर पानी पड़ जाए तो पूरा धान खराब हो जाएगा, अगर बिचौलियों के हाथ धान बेचते हैं तो लागत भी नहीं निकल पाएगा, कोई अधिकारी भी नहीं सुन रहा। 28 नवंबर से कटकर खलिहान में पड़ा है, डेली आदमी से उसको ढाकते हैं, तोपते हैं, रहते हैं, खाना पीना अपने यही बनाते हैं, घर जाते हैं, यही परेशानी है। तो आखिर में क्यों धान रखा हुआ है? धान ले नहीं रहा कोई ना, कहाँ ले नहीं रहा कोई। क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि आज लेंगे कल लेंगे, इसे एक 28 नवंबर से जोड़ लीजिए कितना दिन हुआ, आज तक पड़ा है आपके सामने। तो आखिर में नहीं लेने के पीछे क्या कारण है? तो अब ले पूछ रहा है, आज लेंगे कल लेंगे, ले नहीं रहा। और कोई धान नहीं ले रहा आपका? कोई नहीं, कोई तो 1200 बोला है ना, 1200 लेंगे, 1300 लेंगे, 1400 लेंगे, तो उसमें आपकी लागत आ जाएगी? नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। तो क्या करिएगा फिर धान को? घर से जाएगा, घर से जाएगा। तो क्या चाहते हैं? हम पैक्स में देना चाहते हैं, व्यापार मंडल में देना चाहते हैं, जो ले ले। रात हो या दिन, किसान यहाँ खुले आसमान के नीचे अपनी जान जोखिम में डालकर धान बेच रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई है, घर का खर्च है, इन किसानों का सब इसी धान की बिक्री पर निर्भर रहता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कैमूर से अजीत की रिपोर्ट।